First time after 30 years somebody will take a cup of tea at Kashmiri coffee. बेसिकली ये इवेंट कोई आइसोलेशन में इवेंट नहीं है, आप सब जानते हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले मैं यहाँ आया था इस ब्रिज पर, उस समय के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल जी को लेकर के, म्यूनसिपल कमिश्नर थे मुजफ्फर साहब, और लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट के जो वीसी थे मट्टू साहब थे, उनको लेकर के यहाँ आया था। सिविल सोसाइटी की साइड से जो नालको ऑर्गेनाइजेशन है, मंजूर वांगनू जी, उन्होंने और गवर्नमेंट ने मिलकर के खुशहाल सर को साफ किया है, गिलसर को भी हम साफ कर रहे हैं। इतने साल की गंदगी एक या दो महीने में या एक साल में नहीं ख़त्म हो जाएगी, प्रयास चल रहा है। हम सब ने देखा कि 1.5 साल पहले क्या था और अब क्या हालात है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और करने की ज़रूरत है। आपकी ज़रिए से मैं खुशहाल सर, गिल सर, विचारनाग, नाला आमिर खान, दल लेक, नगीन लेक, बरारी नंबल, इनके आसपास रहने वाले सभी शहरियों को ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो लेक पर, वाटर बॉडीज़ पर एनक्रोचमेंट मत करें। दूसरी बात, जो आपका कचरा है, सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, वो उसमें मत डालिए, क्योंकि उससे गंदगी आपको ही आनी है, आप ही उसके किनारे बैठे हुए हैं। और तीसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बार दो बार काम कर सकती है, बार बार नहीं कर सकती है। हम भी रिस्टोर करके दे रहे हैं, वो एक बार दो बार करेंगे, कुछ एक महीने और काम करेंगे, एक बार ठीक होने के बाद जो है वो ये होना चाहिए कि फिर से दोबारा इसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए। जी, आपको याद होगा 1 साल पहले हमने एक मिशन उठाया था, मिशन एहसास, जिसमें ये खुशहाल सर जो है, इसकी हालत आपको पता है पिछले 30 साल क्या थी। इस पर लोग चलते थे, जानवर चलते थे, इसकी हालत बहुत बुरी थी। तो फिर हमारे यहाँ पर जब हम पहुँचे, हम एक दूरदर्शन पे हमने एक एक उन्होंने मुझे 20 सेकंड का मौका दिया कि अपनी बात रखने के लिए आखिर में। तो मैंने उनको कहा एहसास, यह एहसास सरकार में आना चाहे, ये सरकार एहसास मुझ में आना चाहे, गवर्नमेंट में आना चाहे, स्टेक होल्डरों में आना चाहे। तो फिर जब हमने एक मुहिम स्टार्ट की तो तकरीबन 100 दिन हमें पूरा लग गया इसको साफ़ करने में। फिर उसके बाद एक सीरियस मसला था कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए आज हमने ये आगाज़ किया है। तो आज हम इसमें शुरुआत करेंगे, 10 दिन 15 दिन लगेंगे, तो इसको हम हर साल कोशिश करेंगे कि इसको साफ़ रखने के लिए। असल मकसद है कि ये वी आर ट्राइंग टू सेट एन एग्ज़ाम्पल्स, हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो भी काम इस वक्त हो रहा है, इसमें बाकी जो हजरात है, बाकी जहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, आधे तो ख़त्म ही हो गए, आधे इतने ख़राब है, वह सब आपको मालूम है। तो इससे एक मैसेज आएगी कि सबों को ये काम करना है, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ जो हमारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान जो दाएं बाएं मेरे साथ है, मेरे कजिन्स, मेरे नेलको का टीम, इन्होंने जो मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके ख़ास करके हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने डे फर्स्ट से उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया और शाना बशाना हमारे साथ काम किया। फिर उसके बाद SMC ने भी पूरा साथ हमारा दिया, पिछले बार 960 ट्रक्स यहाँ से निकले। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिविजनल कमिश्नर साहब का, SMC का, यहाँ जो स्टेक होल्डर्स है, अपनी टीम नेलको का, ख़ास करके मैं अपने कज़िन्स का, जो रात दिन मेरे साथ काम करते हैं इसमें।
मंजूर साहब, अगर देखा जाए, आपको नहीं लगता है कि इसको क्लीननेस ड्राइव करने के बजाय आपको यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो यहाँ पर लोग इर्द गिर्द की बस्तियाँ हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है? वो ऑलरेडी वो हमारे पाइपलाइन में है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले हमने एक प्रोग्राम किया था NIT में, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह है उनसे हमने शुरुआत की। अब आगे हम अर्थ डे को NIT के साथ एक और प्रोग्राम कर रहे हैं इस अवेयरनेस के ताल्लुक से। उसमें हम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को और स्कूलों को उन तक मैसेज पहुंचाएंगे। पेरिफेरी के इलाके हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि हर एक घर ने यहां पर इसी पर जो है बाथरूम बनाए हैं, जो भी वेस्टेज है वो इसी में जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि उनको अवेयर करने की जरूरत है? ये सरकार का काम नहीं, ये उनका काम नहीं है, मेरे ख्याल में ये सरकार का काम है। पिछले एक साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ UED को और जो भी कंसर्नड अथॉरिटीज़ है, मैंने इस पर लेटर्स भी लिखे हैं उनको, ये जो ये जो ड्रेनेज इसमें जाता है इसको कनेक्ट कर लीजिए STP के साथ। तो ये तो उनका विचारों का कोई कसूर नहीं है, उनको चाहिए कि उनको कनेक्ट करे उसके साथ। वो रहते हैं यहाँ, बरसों से रहते हैं, तो लोगों का क्या कसूर है इसमें? सरकार वो अपना म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो उनको कनेक्ट करना है ये जो STPs है। आज मैंने एक मेमोरेंडम भी बनाया है और जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिविजनल कमिश्नर साहब को, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि इसकी मेंटेनेंस, यहाँ गेट्स बनाने हैं, जो नाले अमीर खान है जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है, उसको साफ रखना है। उसी से ये मलबा जो अंदर आता है आंचार में, आंचार के बाद यहाँ खुशहाल सर में फिर आगे जाता है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना है। हमारी तरफ से एक चीज़ है कि हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि लोगों के ताउन से कुछ भी हो सकता है।